नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से मैं एक नया सब्जेक्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में सब लोग बहुत चिंतित रहते हैं। और जब भी हम लोग कुंडली देखते हैं तो कुंडली में कौन से सूत्र लगाने चाहिए, कैसे भाव के फल मिलते हैं, किन्हीं भावों का फल कैसे मिलेगा, उसके बारे में सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा। कुछ चार पांच वीडियो बनेंगी ये वाली, और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में आपको डिफरेंट डिफरेंट सिद्धांत बताऊंगा कि कैसे हम देख सकते हैं कि किस तरह से भाव का फल मिलेगा या हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कुंडली को एनालिसिस करने के बाद। और ये सिद्धांत जो है, ये कोई अपने सिद्धांत नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है, ये शास्त्रों के अनुसार है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर एज इट इज श्लोक भी लिया है इसका, और श्लोक लेने के साथ साथ मैंने आपको सिद्धांत बताने की कोशिश की है। तो ज्यादा देर न करते हुए पहले सिद्धांत पे हम लोग आते हैं। जब कुंडली हम लोग देखें तो हमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए और कैसे हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है श्लोक में कि भावा सर्वे सुपति युता विक्षिता वा शुभे से स्तत्तदा वा सकल फलदा पाप द्रग योग हीना पापा सर्वे भवन पत्यश्चे दिहा हुस्त तथैव खेटे सर्वे सुफलमिदम नीच मूढ़ा रिहेने। क्या मतलब है इसका? ये कहते हैं भावा सर्वे सुपति युता, जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे हों, विक्षिता वह शुभ ग्रह से द्रष्ट हो, तो वह स्थितावा सकल फलदा, वह उत्तम फल देते हैं, वह उत्तम फल देते हैं। जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, जो भाव शुभ ग्रह से ग्रस्त हों, उनके पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो वह उत्तम फल देते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि जो भाव अपने स्वामी के सहित होता है वह तो शुभ फल देता ही है। जो भाव अपने स्वामी से शुभ, स्वामी से युत हो या स्वामी से त्रस्त हो, तो वो हमेशा शुभ फल दे। तो कभी भी आपने आप भाव के फल को आपने निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उन भाव में कैसे ग्रह बैठे हैं। शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह उसको दृष्ट देख रहे हैं, तो भाव के फल अच्छे मिलेंगे। भाव का स्वामी भाव में बैठा हुआ है या भाव का स्वामी भाव को देख रहा है, तो भाव के फल अच्छे मिलेंगे। तो ये एक श्लोक है जिसके बारे में ये बताया गया। दूसरा श्लोक कहता है तत्दावा त्रिकोणे स्व सुख मदन भे चास्पदे सौम्य युक्ते पापा नाम दृष्टि ही ने भवन पसी ते पाप फेटे रुक्ते। यानी वो कहते हैं कि जिस भाव का विचार करना हो, जिस भाव का विचार करना हो तो क्या किया जाए। वो कहते हैं कि सपोज कीजिए आपको चौथे भाव का विचार करना है या आपको तीसरे भाव का विचार करना है, तो जिस भाव का विचार करना हो उस भाव को लगन बना दो। अगर चौथे भाव का विचार करना है तो चौथे भाव को लगन बना लीजिए, और फिर देखिए कि उस भाव से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दशम, यानी कि उस भाव से त्रिकोण में, केंद्र में और द्वितीय भाव में, अगर उस भाव का स्वामी है और शुभ ग्रह हैं, तो वहां के फल बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे आपको ये विचार करना है कि मुझे एक कुंडली में चौथे भाव के फल कैसे मिलेंगे, घर का सुख कैसा मिलेगा, माता का सुख कैसा मिलेगा, ये हम विचार करना चाहते हैं, तो चौथे भाव को लगन बना लीजिए। और चौथे भाव के लगन बनाने के बाद चौथे भाव से आप देखिए कि पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां, नवा और दसवां भाव, ये सारे भाव देखिए। इन भावों में देखिए कि अगर उस भाव का स्वामी है, यानी चौथे भाव वाला स्वामी वहीं बैठा हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, वहां पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो 100% उस भाव के फल शुभ मिलेंगे। और यदि इन स्थानों में शुभ ग्रह नहीं है, पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो अच्छे फल नहीं मिलेंगे। और यदि इन ग्रहों में कुछ पाप ग्रहों का भी प्रभाव है और कुछ शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो आपको मिश्रित फल मिलेंगे। यानी शुभ ग्रह जो होंगे वो अपनी दिशा में शुभ फल देंगे, अशुभ ग्रह जो होंगे अपनी दिशा में अशुभ फल देंगे, तो मिला जुला फल प्राप्त होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जिस भी भाव का विचार आपने करना हो उस भाव को लगन बना लीजिए, और फिर उस भाव से पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, नवा, दसवां घर देखिए कि उनमें शुभ ग्रह बैठे हैं,
या पाप ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है या पाप ग्रहों की दृष्टि है, उन भावों में उस भाव का जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं उसका स्वामी है या नहीं। अगर है और शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो उस भाव की उन्नति होनी है, वो भाव के रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको चौथा भाव देख रहे हैं तो घर का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, वाहन सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। फिर श्लोक में कहते हैं, नाश स्थान गतो दिवाकर तृप्तस्य यदा वापो, नीचा रात्रि ग्रहण गतो यदि भवेत सौम्येर युक्त क्षतिर तदावस्य विनाशनम वित्नुते। इसमें क्या बोलते हैं, ये कहते हैं यदि किसी भाव का स्वामी नाश स्थान गतो, नाश स्थान कौन सा स्थान होता है, नाश स्थान होता है आठवां स्थान। तो वो कहते हैं किसी भाव का स्वामी अगर आठवें स्थान में गया हो, दिवाकर, दिवाकर किसे कहते हैं, सूर्य, सूर्य से अस्त हो, सूर्य की किरणों से अस्त हो, या नीचा राति ग्रहण नीच राशि में हो, शत्रु क्षेत्र में गया हो और शुभ ग्रहों से युक्त और दृष्ट ना हो, तो उस भाव का नाश होता है, उस भाव की सुख संबंधी प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत दुख की प्राप्ति होती है। ये क्या बोलते हैं, इन्होंने कहा है कि सपोज करो किसी भाव का स्वामी, आप तीसरे भाव के बात कर रहे हैं कि आपको तीसरे भाव के रिजल्ट कैसे मिलेंगे, आपको पराक्रम के रिजल्ट कैसे मिलेंगे, छोटी मोटी जर्नी के रिजल्ट कैसे मिलेंगे, खेल कूद में आपकी विजय होगी या नहीं होगी, आपको तीसरे भाव का फल देखना है, तो तीसरे भाव के फल देखने के लिए आपको तीसरा भाव कि ये देखिए तीसरे भाव का स्वामी गया कहाँ है, क्या वो तीसरे भाव से अष्टम स्थान में गया है, अगर तीसरे भाव से वो अष्टम स्थान में गया है या सूर्य की किरणों से जाके अस्त हो गया है, जहां बैठा है सूर्य से अस्त हुआ है, या वो नीच राशि में चला गया है या शत्रु क्षेत्र में चला गया है और शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट नहीं है, तो तीसरे भाव का नुकसान होगा, उस भाव की सुख संबंधी प्राप्ति नहीं होगी, उस भाव की दुख की प्राप्ति होगी, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने भाव से आठवां जाना, किसी भी भाव के स्वामी का अपने भाव से आठवां जाना और सूर्य के नोस्ते अस्त जाना या नीच राशि में जाना अच्छा नहीं होता, वो उस भाव का नुकसान करता है। फिर बोला गया है कि ये तो है ही कि अपने भाव से अष्टम भाव में जाना, उसके अलावा लग्न से अष्टम में भी अगर कोई रह जाता है तो भी वो अपने भाव का नुकसान करता है, ये तो हमें मालूम ही है कि 6, 8, 12 भाव के स्वामी जिस भाव में जाए उस भाव की हानि करते हैं, या जिस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में जाए तो उस भाव की हानि होती है। तो लग्न से अष्टम जाने से भी ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव को बिगाड़ेगा, और अपने से अष्टम जाने में भी, अपने से अष्टम मीन्स कि जिस घर का स्वामी है वहां से अष्टम जाने पे भी उस घर को वो बिगाड़ेगा। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, और इसका यूज बहुत होता है, तो इसको जब भी कुंडली में आप देखें तो कुंडली में जरूर देखिए कि जो ग्रह है वो अपने भाव से कहा गया है, यानी जिस भाव का स्वामी है वहां से वो कहा गया है, नंबर 1, और नंबर 2 वो लगन से किस भाव में गया है, ये दो चीज आपको देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो चीज का अर्थ अगर आपने देख लिया तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जैसे कहते हैं कि जैसे यही एक कुंडली बनी हुई है, इस कुंडली में अगर आप देखें तो ये मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह यहाँ पे आपका नीच राशि में बैठा हुआ है, नीच राशि में मंगल ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, तो ये अशुभ परिणाम करेगा, क्योंकि नीच राशि में बैठा हुआ है, तो हमने से पीछे देखा कि जहां नीच राशि में बैठा हुआ हो तो भाव का नुकसान करेगा जिस भाव का स्वामी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि गुरु की दृष्टि है, देखिए गुरु की दृष्टि है, गुरु यहां से 7, 8, 9 दृष्टि से मंगल को देख रहा है, तो थोड़ा इसने राहत दी, आल्दो मंगल ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की संतान के अंदर, उसके बावजूद भी गुरु ने बहुत ज्यादा हानि नहीं होने दी क्योंकि गुरु की दृष्टि थी। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रह शत्रु क्षेत्र में गया हो, नीच राशि में गया हो, अस्त हो, या अपने से आठवें भाव में गया हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो तो भाव की हानि होती है, जिस भाव का स्वामी है उस भाव की हानि वो जरूर करता है। इसके बाद कहते हैं लग्नादि भावा रिपुरंद्र रीफे पाप ग्रहस्ता
ध्वनादिनाशनम सौम्यास्तु नात्यांत फलप्रदा, ये क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि जिस भी भाव का विचार करना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नियम, जिस भी भाव का विचार करना हो उस भाव से छठे आठवें बारहवें यदि पाप ग्रह हो तो उस भाव का नाश करते हैं। क्या मतलब हुआ सर? सपोज कीजिए आपको कुंडली में लगन का विचार करना है, या आपको कुंडली में अपना छठे भाव का ही विचार करना है कि आप कंपटीशन में कैसे रहेंगे, आपका रोग ऋण कैसा रहेगा, शत्रुता कैसी रहेगी, तो वहां से छठा आठवां बारहवां भाव देखिए। जिस भी भाव का विचार करना हो उस भाव से छठा आठवां और बारहवां भाव देखिए। यदि उसके अंदर पाप ग्रह बैठे हैं, वैसे तो ये कहा गया है शास्त्रों में कि तीनों में होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि उन तीन में से घरों में से अगर दो घरों के अंदर भी पाप ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रहों का प्रभाव है तो उस भाव की हानि होती है जिस भाव को हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम पांचवें भाव को कंसीडर कर रहे हैं तो पांचवें भाव से छठा भाव देखिए, पांचवें भाव से अष्टम भाव देखिए, पांचवें भाव से बारहवां भाव देखिए। तो सभी से छठा आठवां बारहवां भाव देखना है। जिस भाव की भी आपको स्टडी करनी है कि इस भाव के रिजल्ट कैसे मिलेंगे तो उस भाव से छठा आठवां बारहवां भाव देखिए। यदि वहां पे तीनों में पाप ग्रह बैठे हों या तीन में से दो के अंदर भी पाप ग्रह या पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उस भाव की हानि होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक बहुत सिंपल सा श्लोक है इसके अंदर जो ग्रंथों में दिया गया है, यद्धा विनाथो रिपुनंद्रेफे दूस्थानोपि यद्वनिस्थितोवा तद्धा वनाशम कथयन्ति तज्जा। ये क्या बोलते हैं कि जिस भाव का विचार करना हो उस भाव का स्वामी, जिस भाव का विचार करना हो उस भाव का स्वामी लगन से छठे आठवें बारहवें स्थान में बैठा हो तो भी उस भाव को बिगाड़ता है। अब दो चीज आ गई, हमें जिस भाव का विचार करना है उस भाव से छठे आठवें बारहवें में पाप ग्रह बैठे हों या पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उस भाव की हानि होती है। एक हमें ये देखना है कि जिस भाव का विचार हम कर रहे हैं उस भाव का स्वामी यदि लगन से छठे आठवें बारहवें स्थान में हो तो भी उस भाव की हानि होगी। मान लिया आप सप्तम भाव का विचार कर रहे हैं तो सप्तम भाव का स्वामी यदि लगन से छठे आठवें बारहवें स्थान में बैठा होगा तो सप्तम भाव को बिगाड़ेगा। अब सप्तम भाव को स्टडी करने के दो तरीके हो, एक तो ये कि सप्तम से छठा आठवां और बारहवां भाव देखिए, उन तीनों में या उन तीन में से दो में किसी में पाप ग्रहों का प्रभाव है या पाप ग्रह बैठे हैं तो सप्तम भाव की हानि होगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, शादी होने में परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, डिवोर्स हो सकता है। या सप्तम भाव का विचार कर रहे हैं तो उसका स्वामी यदि लगन से छठे आठवें बारहवें भाव में चला गया हो तो भी सप्तम भाव की हानि होती है। तो ये कुछ नियम है जो इस तरह के नियम मैं आपको बताऊंगा जो कुंडली में लगाने हैं अपने, जो शास्त्रों के अनुसार है और ये बहुत सिद्ध नियम है। इन्हीं नियमों के अनुसार सारा फलादेश किया जाता है कुंडली के अंदर। आप इन सब चीजों को सीखिए, इन चीजों को ध्यान में रखिए और फिर कुंडली का फलादेश कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जो यहाँ तक मैंने बताया है वो समझ में आया होगा। और बाकी तो हम लोग अपना एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर जो कोई बैच में इंटरेस्टेड है तो वो हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।